सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। अमेय विक्रमाग्रौरा सुंदरे सुरसुंदरे
वन दुर्गा च पातंजय पतंग मणिपूजिता नामे माहेश्वरी चन्द्रे कौमारी वैष्णवे तथा चामुण्डा देव वाराहे लक्ष्मी च पुरुषाकृते विमलोदकर्षणे ज्ञानक्रिया नित्यात् बुद्धिता बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहन निजुम्बजुम्ब हरणे महिषासुरवर्धने मधुकैटवाद्रे चन्दमण्डा विनाशने सर्वासुरविनाशा सर्वदानवघातिने सर्वशास्त्रमये सत्या सर्वाश्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्रा च अनेकाश्रस्य धारिणे कुमारे च गगन्या च कैशोरे अवतेयते अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदने भक्तकेशे गौररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रे तपस्विने नारायणे वज्रकाले विष्णुमाया जलोदरे शिवदूते कलाले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिने या इदं प्रवदे निद्रा दुर्गा नामाय दर्शक न सत्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वते धनर्धान्यं सदजाय वयोहस्यमेव च चतुर्वर्गं सदा चान्ते लभेन भोग्यं दशाश्वते कुमारे पूजयित्वा दोध्यात्वा देवीं सुरेश्वरे पूजयन्मया भक्त्या पठे नामाय दर्शक तस्य सिद्धे भवेदेवे सर्वे सुरवरैरपि राजानो दासराजान्ते राजाश्रयमवाप्या गोरोचनालग्नकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्यन्द्रं विदिता विदिख्यो भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्यानि सामग्रचन्द्रे शतविशाङ्गते विलिख्य प्रभरे स्तोत्रं स भवे सर्वदा प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों के प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्य कर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपकी सुख समृद्धि के लिए आपके अवधि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी है सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन वृद्धि करने वाले हैं। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही
दीर्घ आयु को प्राप्त होती ही, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मन कुल कर्म करते हुए इस मजगजन में मजगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माया के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देभ्यः कवच ॐ अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनश्वछन्दः च मुण्डा देवत अङ्गन्यास्वक्रमातरो बीजौ निगबन्धदेवता सत्तो श्रीजगदम्बामित्यर्थे सप्तशतीपाणागत्वेन यपे विनियोगः। ॐ नवशण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच ॐ यद्वयं परमलोके सर्वरक्षाकरं नृणां यज्ञकस्य चिदाजातं सर्वे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्तिभयतमं विप्रा सर्वभूतापकारकम् ेभ्योगमुणे प्रथमांशपुत्रे ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रखण्डे कुशान्नेतिलन्दक पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति च शम नवमां सिद्धिरात्रे च नवदुर्गाप्रकेति च उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्य शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे देव भयातः शरणं गता न तेषां जायते किञ्चिदशुभवरणसङ्कटे नापरं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि ये सुभक्तास्मृदानोऽनं तेषां वृत्तिः प्रजायते ये त्वां सुमन्ति देवेशे रक्षते सानदन्दयः ते तदन्तात् चामुण्डा बालाहि महिषासन अन्ध्रेकसमारूढा वैष्णवे गरुडासन माहेश्वरे वृषारूढा कौमारेशिवहन लक्ष्मी पद्मासना देवे पद्मास्तारिन्द्रय श्वेतरूपाधरा देवे ऐश्वरे वृषभहन रामे हंसतमारूढा सर्वाभरणभूषिता नित्यतमातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशौभाट्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्याः क्रोधसमाकुलाः शङ्खचक्रं गदां शक्तिं हलं समुसलायुधं कैटकं दोपरं चैव परशं पाशमेव च वृन्दायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमत्तम देव्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्धाय धारितं देवानां दयिताय वै नमस्यतो महाराजे महागौरवपराक्रमे महाफले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि सर्वैश्च सत्त्वनामयवर्धने राजा रक्षतमावेद्रे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतमालाये नैरुत्यावकर्गधारिणे प्रदेशावारुणे रक्ष वायव्यामृवायिने वरेशापातु कौमारे अशान्यां चूलधारिणे ओर्ध्वब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ताद्वैष्णवे तदा एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डा च वाहनाम् जया मे जाकृता पादो विजया पादो प्रेष्टितः अयता भाव पार्श्वेतो दक्षिणे चापराजिता शिरापत्योदने रक्ष रुमामहर्षे व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रुवौ रक्षे चश्विने त्रयता च भ्रुवर्मध्ये अवघण्टा च नाशके शङ्कने चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोर्ध्वारमाजने कपालोकालिका रक्ष कर्णमूले तु शङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोषे च चर्षिक अधरे च मृदकला देवायं चर्षदे दन्ता रक्षत कौमारे कण्डदेशे तु जन्यक
घंटिका पुत्र घंटा च महामाया तदालोक रामाजीजौरक्षमंगल ग्रीवाय भद्रकाले च वृषभद्रे धनोधरे नीलग्रीवा महे कंडे नलिकाकोमरे सुगंधोरक्ष बाहो भद्रधारणे हर्षोदंडरक्षकाशकुलेश्वर जगाशोलेश्वरक्षकुलेश्वरे क्षणोरक्ष महादेवी महाशोक विनाशने हृदय ललिता देवी उदरेशोलधारिणे नाभजगामनिरक्षेश्वरी सदा ओदनागामिकाभेदं वदे महिषवाहिने कट्या भगवती रक्षयानुणे विन्दवासिने जय महाबला रक्ष सर्वकाम प्रदायने गुरुवेनार सिंहेय पादभृष्टे पादाकुलेषु रक्ष पादादस्तलवासिने जगान्तश्चाङ्गलानि च केशान्देभोर्दुकेशने रोमकोपेषु कौवेरे त्वजम्बाजेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामासाम्यस्य वेदासि पार्वते अन्त्राणि कालरात्रे च पित्तौ च मुकुटेश्वरे परमापदे परमकोशे कवे चूडामये तथा ज्वालामुखेन गज्जालामवेद्या सर्वचन्द्रेण शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षायां सत्येश्वरे तथा अहङ्कारं मनोमध्यं रक्षेन्मे धर्मधारिणे प्राणपाणौ तथा व्याणं प्रधानं च समानग वज्रहस्ताद मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभन रसरूपे च गन्धे च शब्दे स्वर्षे च योगिने सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणे सदा आयो रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवे दशाकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनो विद्यां च चक्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशोन् मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षेन् महालक्ष्मे भार्यां रक्षतु भैरवे पन्थानां समता रक्षेन् मार्गं क्षेमकरे तथा रायद्वारे महालक्ष्मे विजया सर्वसहसिता रक्षाहीनौ तु यस्ताडौ वर्जितौ कवचेन तु तत् सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ति पापनाशने परमेकं न गच्छेतो यदेच्छेशोमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छते तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामन्तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले मम निर्भयो जायते वर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनामृतः पुमान् इदं दोग्रेभ्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिशतं शतयान्वितः देवी कला भवेतस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवे वर्षशतं शाग्रम् अपमृत्यो विवर्षितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोता विस्वाणगादयः स्थापनं जङ्गमं चैव कृत्रिमं यापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भोजराः केचराश्चैव जलजाशोपदेशिकाः सहजा गुलजा माला डाकिनीशाकिनी तथा अन्तरिक्षाचरा गौरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतविशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनार्थस्य कवचेसंसिते मानो नतिर्भवैराज्ञस्येयो वृद्धेकरं परम् जसदा वर्धते सौमे कीर्तिमण्डितभूतले जपेर्षक्तिरतिण्डिं कृत्वा तु कवचं पर यावद्भूमण्डलं दत्ते शशलाभनकानन तावत्तिष्ठति मे जन्या सन्तते पुत्रपातके देहान्ते परमस्थाणं च स्वरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यमहामाया प्रसादतः लभते परमरूपं शिवेन सह बोधते अथ अर्गलास्तोत्र ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्विषिः अनुष्टमछन्दः
श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा देवतये शक्तिशाली माठांगत्वेन यपेऽभिनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ जयन्ते मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाख्यवा शिवाधात्रे स्वाहा सदा नमोऽस्तुते जय त्वण्डे विचामुण्डे जय भूतादिहारिणे जय सर्वगते देवे कालरात्रे नमोऽस्तुते मधुकैटवमित्रावे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि महिषासुरनिर्णाति भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि रक्तबीजापदे देवे दण्डमण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि शुम्भसेवने शुम्भस्य धूम्राक्षस्य च वर्धने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि वन्दिताग्निजुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि अजिन्त्यरूपचिन्ते सर्वशत्रुविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितामहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि सुमध्यो भक्तिपूर्वं तां चण्डिके व्याधिनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि चण्डिके सर्वे त्वामर्चयन्ति हि भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विदेहि दुष्टाम्राशं विदेहि फलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाशिवं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि सुरासुरशिरोरत्ननिकृष्टाचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विद्यावन्तौ दशस्वन्तौ लक्ष्मीवन्तौ जनाकुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि प्रचण्डदे च सर्वज्ञे चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त्रे संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि कृष्णेन संसुते देवे सरस्वतभक्त्या सुदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि हिमाचलसुतानाथ संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि इन्द्राणि परिसद्भाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि देवी प्रचण्ड दौर्दण्डा दैत्यदर्पविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि देवी भक्तजनोदामा दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि पदे मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणे तारिणीं दुर्गसंसार सकलस्य कुलोद्भव इदं स्तोत्रं पठित्वा नो महास्तोत्रं पठे नरः सतो सप्तसति सङ्ख्यमहमापनोति सम्पद अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टमछन्दः श्रीमः सरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यास सप्तशरीपाठाङ्गत्वेन यपेऽभिनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्वियानीयान् मन्त्राणामविकीलकौ स्वपि क्षेममवाप्नोति सततव्याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तजाटनादीनि वस्तूनि सकलानि मे एतेन सुतां देवी स्वत्रमात्रेण सिद्ध्यति
न मंत्र न जलम तत्र न किञ्चित् विद्यते विराजापेन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिक समग्रान् विसिद्ध्यन्ति लोकजङ्गामिमामलः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव मिदं शिवम् स्तोत्रवेदण्डकायासो तच्च गौतं जगादशः समाप्तेन च पुण्यस्य तायसावन्नियन्त्रणात् स्वापि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न सन्दयः कृष्णायावचतुर्दशमष्टव्यावसमाहितः ददादेवदेशा प्रसीदते इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलिन ज्योतिष्कीलाभिधायेण नित्यम जपति सङ्गुण स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न देवाकर्तस्य वयम् पापीह जायते नापमृत्तो वशं जाते मृतो मोक्षमाद्यात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यते ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते बुधेः सौभाग्यादिजलस्य दृश्यते ललनायने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन याम्यमिदं शुभम् षडे सूयप्यमानेषु सौते सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यलोक्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते स न किञ्जले श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र हरि गिरिनन्दिनि नन्दित मेधिनि विश्वविनाशिनि नन्दनुते Thank you.
Yang gatin dalam apa nanti
नाताम नमः जयः सुरः सपराधस्मे चरणं प्रावदस्तां जगदम्बिके इदाने वनुकं यथेष्टे शब्द मनोरथ पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। शक्ति होती है। वास्तव में जो ही भक्तजन इस प्रकार से सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से कहीं भी इस माँ जगजन्य का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती के नाम का जप करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ का स्मरण करते हैं, इस माँ जगजन्य जगत माता के उन शरणान भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों के सभी कष्ट सभी दुख जो है दूर होते हैं, वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं और उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। ये साधना जो है, साधक जो है साधना करता है, भक्ति करता है और भक्ति से ही मनुष्य की समस्त मनोवलक्षित कामना जो है वह पूर्ण होती है। महर्षि अगस्त जी हुए हैं जो काशी में निवास करते थे और इस प्रकार से जो शक्ति को उपासक थे भगवान विश्वनाथ की साधना करना। कहते हैं कि एक बार काल के नाम के देते हुए ही जिन्होंने विश्व का सर्वनाश करने के लिए संकल्प लिया कि हमें विश्व का नाश करना ही और करना कैसे है, कि साधना से भक्ति से ही ये देव जो हैं संपन्न होकर के सर्वत्र जो है विजय प्राप्त करते हैं,
और जिसकी तपस्या भक्ति जिस साधना नष्ट कर दी जाए तो देवता अपने अपराजित हो जाएंगे। ऐसे विचार कर करके उन काल के नाम के देवतों ने जो है समुद्र में आकर के डेरा डाल लिया। दिन में वे समुद्र में छिप जाते हैं और रात्रि को जो है यत्र तत्र जहां जहां भी ऋषि मुनि संत महात्मा भक्ति करते तप करते साधना करते हैं यज्ञ करते हैं तो वहां उनको ढूंढ ढूंढ के वे मार देते खा जाते। थोड़े ही समय में जो है सर्वत्र कंगाल ही कंगाल हो गए। ये सब देख करके देव जो थे घबरा गए कि आप पूजा पाठ जय आराधना जय भक्ति जय साधना सब बंद हो गया। देव जो है निर्बल होने लगे तब जो है उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, महाराज अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आप जो है अगस्त ऋषि के पास जाइए। अगस्त ऋषि जो है इस दुख से आपको बचा सकते हैं क्योंकि वे ऐसे देते ही जो दिन में तो समुद्र में छिप जाते हैं दिखाई देते नहीं और रात्रि को जो है ये सब कार्य करते हैं। इसलिए अगस्त ऋषि जो है इतने शक्तिशाली हैं वो जो है समुद्र को सुखा सकते हैं। कहते कि उस समय सभी देवगण जो अगस्त ऋषि के पास गए काशी में, वहां पर जाकर उनसे प्रार्थना की और परोपकार के लिए अगस्त ऋषि हमेशा जी तैयार रहते थे विश्व के कल्याण के लिए विश्व की रक्षा के लिए वे कभी पीछे हटे ही नहीं। परंतु काशी नगरी जो है ऐसी नगरी है जो मोक्ष नगरी है। कहते हैं काशी का त्याग करके यदि कोई जाता है तो कौवे भी जो है उस पर हंसते हैं कि कितना मूर्ख है ये काशी नगरी का परित्याग कर करके जा रहा है। कहते कि उस समय भगवान विश्वनाथ से उन्होंने प्रार्थना की, आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वहां का त्याग करना था लोक कल्याण के लिए। तब जो है भगवान विश्वनाथ ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, आप जाइए। तब जो कहते हैं अगस्त ऋषि गई और जाकर के समुद्र को ही पी लिया और जो दैत्य जो थे सामने आ गए और देवताओं ने जो है उनके साथ युद्ध किया। इस प्रकार संकट से जो है देवताओं को मुक्ति मिली। कैसे अगस्त ऋषि की भक्ति से उनकी उपासना से ऐसी उन्होंने शक्ति प्राप्त की थी और समस्त शक्तियों को देने वाली जी भगवती ही। फिर कहते हैं फिर एक बार जो है ऐसी परिस्थिति आई कि विंध्याचल जो है जी भगवान सूर्य से रुष्ट हो गए। जब रुष्ट हो गए तो विंध्याचल ने अपनी इतनी आकृति बढ़ा ली कि भगवान सूर्य का रास्ता रोक दिया। अब सूर्य जो दूसरी ओर जा नहीं सकते ही, तब भी जो है सभी देव घबराए अब क्या होगा। तभी अगस्त ऋषि के पास ही गए, उन्हीं से प्रार्थना की और उस समय जो है जब पुनः जो है काशी नगरी त्याग करने लगे तब पुनः भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि अब जाइए मैं स्वयं आपके पास आऊंगा। तब कहते ही अगस्त ऋषि वहां से चले विंध्याचल के पास। जब पहुंचे तो विंध्याचल ने देखा कि गुरु जी आ रहे हैं। विंध्याचल की आकृति तो ऊपर तक आकाश तक जा चुकी थी, सूर्य का रास्ता रोक लिया था। कहते कि विंध्याचल ने उस समय अगस्त ऋषि को दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और अगस्त ऋषि ने आशीर्वाद दिया और कहा देखो मुझे दक्षिण दिशा में जाना है, मैं आपको ऐसे लांग नहीं सकता और जब तक मैं वापस ना हूं तब तक ऐसे ही रहना। कहते अगस्त ऋषि उसके ऊपर से होकर के दक्षिण दिशा में चले गए। विंध्याचल जी अब तक जो है अगस्त ऋषि की प्रतीक्षा में वैसे ही नतमस्तक हैं, दंडवत प्रणाम किए हुए अगस्त ऋषि वापस लौटे ही नहीं, वह दक्षिण में चले गए। इस प्रकार से उस समय ये आया हुआ संकट जो था इस संकट को जो है उन्होंने दूर किया, सारे विश्व जो है सुखी हुआ। दक्षिण में जो है वह अगस्त ऋषि वहां पर आश्रम में आश्रम बनाकर वहां पर रहने लगे और वही जो है भगवान श्री राम की भेंट जो थी ये अगस्त ऋषि से हुई थी।
अगस्त ऋषि वहीं पर दक्षिण में ही जब भेंट हुई थी और वही भगवान शिव जी अगस्त ऋषि के पास वहां मिलने के लिए आए थे और वहां पर अगस्त ऋषि ने ही उन्हें रामायण जो है ये कथा सुनाई थी। ये प्रसंग बहुत लंबा मैं संक्षिप्त में बतला रहा हूँ कि वहां पर जो है अगस्त ऋषि और भगवान श्री राम जो है स्वयं वहां पर चल करके आए और कहते हैं कि वहां पर जो है जब उनका मिलन हुआ तब अपने जीवन का अनुभव बतलाते हुए अगस्त ऋषि ने एक बात कही थी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगस्त ऋषि ने कहा कि व्यक्ति मानव जो है कितना भी तप क्यों न करे, यज्ञ अनुष्ठान करे, सत्कर्म करे, परंतु दान जो है वह अवश्य करे। दान की महिमा उन्होंने बड़ी बतलाई है कि तप करने से, भक्ति करने से, भगवान की साधना करने से, जप पाठ करने से उत्तम लोक की प्राप्ति हो सकती है परंतु भोजन की नहीं। उन्होंने बतलाया कि महाराज एक बार मैं भ्रमण करते हुए चल रहा था, चलते चलते बहुत बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। वहां पर देखा कि बहुत बड़ा एक सरोवर था और सरोवर के किनारे एक आश्रम था जो जीर्ण शीर्ण हो चुका था, टूट चुका था। सरोवर के बीच में जो है एक शव जो था पड़ा हुआ था। जिस सब देखकर के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये किसका आश्रम होगा, किसका ये शव है। इतने मैंने ऊपर की ओर देखा तो ऊपर से एक अद्भुत विमान आ रहा था नीचे की ओर। वह विमान जो था वह नीचे उतरा सरोवर के किनारे, उसमें विराजमान जो है एक व्यक्ति था जो देखने में साक्षात देव लग रहा था। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए ही बड़ा ही सुंदर रूप है और वह जो है विमान से बाहर आया और फिर उस सरोवर में उसने स्नान किया। स्नान करने के उपरांत जो है जो शव उस जल में पड़ा हुआ था उसको खाने लगा। ये सब देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ है कि ये व्यक्ति देखने में देवता लगता है और इस प्रकार से शव को खा रहा है। शव खा करके उसने तृप्ति प्राप्त की। उसके उपरांत उसके पास जा करके उससे पूछा, महाराज आप तो देखने में तो बड़े अच्छे सुंदर व्यक्ति लगते हैं, ऐसा लगता है कि शाश्वत कोई आप देव हैं और आपने ये निकृष्ट भोजन जो है ये शव को खाया। तब जो है उन्होंने पूछा कि आप हैं कौन। तब उसने कहा, महाराज मैं विदर्भ देश का राजा था, श्वेत केतु। विदर्भ देश का राजा था, राज्य करते करते मुझे वैराग्य हो गया, मैंने राज्य का परित्याग किया, धन संपत्ति का त्याग किया, अपने पत्नी का संतान का सबका परित्याग कर करके मैं यहां पर इस वन में चला आया। ये जो आप आश्रम देख रहे हैं इसी आश्रम में मैंने 80,000 वर्ष तक तप किया, बड़ी घोर तपस्या की और तप के फलस्वरूप जो है मुझे सबसे उत्तम लोक जो है श्रेष्ठ लोक जो है ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो गई। ब्रह्म लोक की प्राप्ति हुई और वहां पर जो है सब प्रकार की सुख सुविधा मुझे मिली परंतु खाने के लिए कुछ नहीं। सब कुछ है परंतु मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। मैं भूख के मारे तिल मिला उठा। तब मैंने ब्रह्मदेव से कहा, महाराज खाने के लिए कुछ नहीं, इतना श्रेष्ठ लोग उत्तम लोग की मुझे प्राप्त होगी, सब प्रकार की सुविधा जो है सब प्रकार सुख प्राप्त होगी परंतु खाने के लिए कुछ नहीं। तब ब्रह्मदेव ने कहा, महाराज मृत्यु लोक में जो दान नहीं करता उसको ऊपर के लोक में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। आपने अपने जीवन भर में स्वयं खाया परंतु कभी किसी को दान दिया नहीं, सब कुछ था आपके पास। आपने राज्य का त्याग सब कुछ किया, तब किया, तब के फलस्वरूप उत्तम लोक की प्राप्ति होगी परंतु मृत्यु लोक में जो है आपने कभी किसी को खिलाया नहीं, इसलिए जो है अब तुम्हारा ही शब्द जो है जो जल में जो है तर रहा है वही जो आपका भोजन है। 100 वर्ष के उपरांत जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे फिर आपको अगस्त ऋषि के दर्शन होंगे। अगस्त ऋषि के जब दर्शन होंगे तो ही वही आपका कल्याण करेंगे,
तभी जो है इस लोक में आपका कल्याण होगा, आपको खाने को कुछ मिलेगा। बोलो सच्चे दरबार। ये गाथा में व्यक्ति बतलाता हुआ अगस्त ऋषि कहते हैं कि न जाने कब जो है उस महापुरुष के अगस्त ऋषि के मुझे दर्शन होंगे। 100 वर्ष मेरा पूरा हो चुका है, तब जो है अगस्त ऋषि को उस पर दया आई और उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं ही अगस्त ऋषि हूं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब उसने एक दिव्य आभूषण जो है मुझे दिया और कहा कि यदि आप इसे स्वीकार करें तो मेरा उद्धार हो सकता है। तो उसके कल्याण के लिए वह आभूषण जो था मैंने स्वीकार किया। जैसे आभूषण जो था उसने मेरे हाथ में रखा, उसी क्षण जो है वहां का जो शब्द जो था वह लुप्त हो गया और वह राजा जो थे श्वेत केतु वह विमान पर बैठ करके अपने उत्तम लोक ब्रह्म लोक को चले गए। बोलो सच्चे दरबार। तो समय वनवास काल में भगवान श्री राम को जो है वही आभूषण जो था अगस्त ऋषि ने उनको समर्पित किया। बोलो सच्चे दरबार। तो इसलिए दृष्टांत से सिद्ध होता है कि भले ही कितने ही व्यक्ति सत्कर्म करें परंतु यदि किसी को दान नहीं करता, किसी को खिलाता नहीं है, तो ऊपर के लोग में खाने के लिए नहीं मिलता। इसलिए चाहे लोग लज्जा से ही सही, कोई भूखा है प्यासा है, इस प्रकार से भाई किसी को भोजन करवाना, जल पिलाना, किसी प्रकार से सत्कर्म करना, तो ये करने से ही क्योंकि मनुष्य देह जो है इसलिए प्राप्त हुई है, क्योंकि देवताओं के जब पुण्य समाप्त होते हैं वे भी इस पृथ्वी पर आते हैं, इस मृत्यु लोक में आकर आते हैं जब पुण्य प्राप्त करने के लिए, जो सत्कर्म करने के लिए भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर आए, भगवान श्री राम भी आए, अवतार जो है इस प्रकार से अन्य देवगण जो है अलग अलग रूप धारण करके पृथ्वी पर आए हैं, सत्कर्म कर करके फिर जब पुनः जो है उन्हें देवलोक की प्राप्ति। बोले सच्चे दरबार। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधे चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, उन्हें प्रजदन पूर्व देवी की पूजा इस शक्ति उपासना जो है ये अवश्य करनी चाहिए। शक्ति की उपासना माँ की भक्ति जो है ये सब ओर से परम सिद्धि को देने वाली ही, सब शक्तियों को देने वाली यही भगवती है। और इसी के शरणागत होकर जो भक्तजन जो है माँ की साधना करते हैं उनकी सब मनोवलक्षित कामना पूर्ण होती है, क्योंकि देवता भी संकट में आते हैं तो वह भी भगवती के शरणंग धोकर के मां से ही प्रार्थना करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में, इस जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरणों की आराधना करने का, माँ की भक्ति करने का, माँ की उपासना करने का, माँ भक्तों को जो है आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ ही। भगवती आदि शक्ति इस गुहा के अंदर जो है 3 दिव्य पिंडी गुरु विराजमान है, माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, जिनके दर्शन के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सभी भक्त जन आकर के माँ के दरबार में माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं जो भक्तों को माँ के दर्शन करने का, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का, माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। इस जगजन्य जगत माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती की इसी तरह से भक्त कृपा बनी रहे और माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को अपने दरबार में बुलाती रहे, अपना आशीर्वाद आपको देती रहे और भगवती इसी प्रकार से अपने चरणों की अविचल भक्ति जो आपको प्रदान करें और माँ की आराधना से, माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों का जीवन जो है मंगलमय हो, सर्वत्र आप जो है परम कल्याण को प्राप्त हो। बोले सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की बेला निवेदन कर रहा हूँ श्री जी से, माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे आप सभी भक्तों से कीर्तन सहयोग दिना से मिलकर वाला ताली जाते हुए श्री सुरेश जी। जय करा मेरी शिरोवली मैया जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। मायम्बे मेरा जीवन, मायम्बे मेरा जीवन, संसार के लिए हो मायम्बे मेरा जीवन, संसार के लिए हो मायम्बे मेरा जीवन, संसार
संसार के अपने अपने हाथ ऊपर उठाए थे सभी माया के आज सभी ऊपर माँ भगवती माँ भक्तों के हाजी स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपकी मर्यादा पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भरते चले। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन स्वभाव मेरा दुश्मन का मन लुभाए। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन रिझाए। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन रिझाए। वह देखते ही कह दे, वह देखते ही कह दे, तुम प्यार के लिए हो। वह देखते ही कह दे, तुम प्यार के लिए हो। मायंबे मेरा जीवन संसार उपकार के लिए हो। ये जिंदगी हो ले उपकार के लिए हो। मायंबे मेरा जीवन हम में विवेक जागे, हम धर्म उपकार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। माँ
पत्तियां भी सही
भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही, फूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही, हाँ फूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां साबुन से धोया है मल मल के मन, प्रयाग काशी अयोध्या गए वृंदावन, तेल साबुन से मल मल के धोया है तन, प्रयाग काशी अयोध्या गए वृंदावन, तेल साबुन से धोया है मल मल के तन, प्रयाग काशी अयोध्या गए वृंदावन, तल के पाने से क्या फायदा, इसी जन्म में मां को जाना नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो, जिंदगी यूं गवाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी जयकारा शेरावाली राज बोल सच्चे दरबार की जय, मैया मैं तेरी पतंग, मैया मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी, मैया डोर हथों छटी ना मैं कट जावांगी, ओ मैया डोर हथों छटी
ਤੇਰੀ ਬਦਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਏ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਏ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਏ ਇੱਕੋ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਏ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਏ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਈਆ ਡੋਰ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਓ ਮਈਆ ਡੋਰ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਈਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤੰਗ ਓ ਮਈਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤੰਗ ਭੈਣ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਹਟਾਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਹਟਾਵੀ ਨਾ ਹਰ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਹਟਾਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਹਟਾਵੀ ਨਾ ਇਸ ਝੂਠੇ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪੇ ਚਲਾਵੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੇ ਚਲਾਵੀ ਨਾ ਝੂਠੇ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪੇਚਾ ਲਾਵੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੇਚਾ ਲਾਵੀ ਨਾ ਇਹ ਕੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮਈਆ ਇਹ ਕੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮਈਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਈਆ ਡੋਰ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਈਆ ਡੋਰ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਈਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤੰਗ ਮਈਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤੰਗ ਅੱਜ ਮੱਲਿਆ ਬੁਹਾਇਆ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਦਾ ਮਈਆ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਦਾ ਅੱਜ ਮੱਲਿਆ ਬੁਹਾਇਆ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਈਆ ਡੋਰ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਈਆ ਡੋਰ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਈਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤੰਗ ਮਈਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤੰਗ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਈਆ ਡੋਰ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟੀ 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 ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਈਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤੰਗ ਮਈਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤੰਗ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਆਰੋੜਾ ਸੁਧਸੇ ਭ੍ਰਮਤਿਜ ਗਗਣੇ ਦਕਸ਼ਣੇ ਚਕਸੂਤਰ ਵਾਮੇ ਹਸਤ ਦਿਭ੍ਯਾਮ੍ਰੇ ਕਣਕਮਯਮ ਪੁਸਤਕਮ ਜੈਨ ਗਮ੍ਯ ਸਾਭੇਨ ਭਾਦਯੰਤੇ ਸ੍ਵਕ੍ਰਕ੍ਰਯਪੇ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰ ਵਿਜ੍ਞਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰੀੜੰਤ ਦਿਭਰੂਪ ਕਰ ਕਮਲਧਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਅੱਜ ਕਾ ਪੰਚਾਂਗ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤ ਸੁਸੰਵਾਦ 2075 ਉੱਤਰਾਇਣ ਉੱਤਰ ਗੋਲ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਚੈਤਰ ਮਾਸ ਕੇ ਆਜ 22 ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਕਸ਼ ਆਜ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੀ ਆਜ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਜੋ ਹੈ ਜੇ 12:51 ਤੱਕ ਹੀ ਉਸਕੇ ਉਪਰੰਤ ਅਮਾਵਸਿਆ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀਵਾਰ ਤਦਨੁਸਾਰ 4 April 2019 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਤਃ ਕਾਲ ਆਰਤਿਕ ਸਮੇਂ ਆਪ ਭਕਤਜਨੋ ਕੋ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਅਸੀਮ ਅਨੁਕੰਪਾ ਸੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਆਪ ਬੜੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੀ ਪੁਣਿਆਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਇਸ ਆਰਤੀ ਕੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਲਾ ਮੇ ਮਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਪੁਣਿਆ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਇਹ ਜਗਜਨ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਕਾ
आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान शशि भव प्रज्ञा भान भव भूर्भूत करण दान कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य दुर्धरण व्यापार दक्ष भव श्री शंकर पाद पुण्यत सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तु शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यमाविदात् शुमानमहीयते धनं धान्यं पशु बहुपुत्र लाभ सत्संवत्सर दीर्घमाज हो अस्तु दीर्घमाज हो। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से सम्मानित करें, सब और से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम को निषद न ध्यावत मैया जी को निषद न ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव Oh.
सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, खंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ विभूति की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सभक जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ विभूति से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता जी, 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 ओ जय माता जी, 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 ओ जय माता जी, 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 जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, 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 जय जगदम्बे, दरबार की जय। सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे, संभल कर बोलना। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम,
देहि मे परमं सुखं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि यशो देहि यशो देहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय तृतीय मेरे कार्य करो हमेश आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैं कह जो सत गई जो चरणा दा ज्ञान
जयकारा मां शेरावाली दा बोलो संते दरबार की जय। आप सभी भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। Thank you.
Right hand, sir. Happy to be here. Thank you. Thank you.